हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम ओबीजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने दो वीडियो पहले बना दिए हैं जिसमें एक में आपके 1 से 20 तक एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, दूसरे में 21 से 40 तक एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। अब ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम 30 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसमें 41 से लेके और 70 तक आपके एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। तो ये 70 क्वेश्चन 3 वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आपने अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको जरूर देखने हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, ओबीजी सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम ओबीजी के जो पहले क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके सामने कवर करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, 41 क्वेश्चन है। इन 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर ऑन, अगर किसी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है वो 28 डेज है तो ओवुलेशन कब होगा। पहला ऑप्शन है डे 14, दूसरा है डे 28, तीसरा है डे 5, चौथा है डे 1। तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपको सारे आंसर करने हैं। और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं वो आपको जरूर बताना है कमेंट करके। और ये आपको अपना देखना है कि कितना आप सही कर पाते हैं। तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हैं। साथ में आपको देख लेना है आप कितना क्या कर रहे हो, तो इसलिए आपको काउंट करना है कि कितने आप राइट आंसर करते हो। तो समझना है सारे क्वेश्चन को, रटना नहीं है हमें, तो जल्दी से हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इतने क्वेश्चन कम से कम टाइम में। तो चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि 28 दिन का, 28 डेज का जो ओवेरियन साइकिल है या फिर बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओवुलेशन कब होगा। तो पहला ऑप्शन दे दिया आपके पास, डे 14, डे 28, डे 5 और डे 1। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो चलो मैं बता देता हूँ। जितने भी दिन का साइकिल हो आपको ध्यान रखना है, चाहे 28 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 32 दिन का हो, आपको पता होना चाहिए कि कितने डेज का साइकिल है। जितने भी डेज का हो उसमें से -14 कर दो आप, तो -14 कर दोगे तो जो आंसर आएगा, जो डे आएगा, उस दिन आपका ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आपने बोला कि -14 कर देना है, तो 28 में से 14 कम कर देंगे तो आएगा 14। तो डे 14 को क्या होगा, ओवुलेशन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन वायबल फॉर, जब ओवुलेशन हो जाता है तो उसके बाद में ओवम कितने टाइम तक वायबल रहता है। पहला ऑप्शन है 1 to 6 आवर, दूसरा 24 to 36 आवर, तीसरा ये बी ऑप्शन है 24 to 36 आवर, और सी है आपके पास में 12 to 24, और डी है आपके पास में 48 to 72 आवर्स। तो राइट आंसर क्या आएगा, ओवुलेशन होने के बाद में ओवम की जो लाइफ साइकिल वो कितनी होती है, ओवम कितने टाइम तक जिंदा रहता है। तो चलते हैं आंसर की तरफ, आपको आंसर करना है। चलिए चलते हैं, राइट आंसर विल बी 12 to 14 आवर्स, यानी 12 से 24 घंटे तक जो ओवम है वो वायबल रहता है, यानी फर्टिलाइज हो सकता है। उसके बाद में 24 आवर बाद में पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ओवम रिमेन कब तक रहता है, 12 घंटे भी रह सकता है और 24 घंटे, तो 12 से 24 घंटे का हमने एवरेज टाइम माना है। अगर बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म जो है वो आपका इससे डबल हो जाता है, आपकी बोल सकते हैं 48 से 72 घंटे, 48 से 72 घंटे, यानी ये आपका बोल सकते हैं आधे से एक दिन और ये आपका 2 से 3 दिन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो 48 से 72 घंटे स्पर्म और ओवम का पूछे तो 12 से 24 घंटे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टर्म मिटल स्केमर्ज रेफर्स टू, जो टर्म मिटल स्केमर्ज है वो किसके लिए काम में ली जाती है। पहला ऑप्शन है वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, दूसरा है पेल्विक ग्रिडल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तीसरा है लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और चौथा है इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग लेबर। तो किसके लिए काम में लिया जाता है मिटल स्केमर,
किसके लिए काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलो आंसर की तरफ चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, मिटल स्केमर्स या फिर मिड पेन जो है आपका एब्डोमिनल पेन है, यानी पेट का दर्द है, एब्डोमिनल पेन है मिड वे बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग ओवुलेशन, यानी जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का, उसके बीच में होता है ये। और कब होता है? जब ओवुलेशन होता है, ड्यूरिंग ओवुलेशन, फ्रॉम ओवुलेशन साइट, जो आपकी ओवुलेशन साइट है वहां पर ये पेन अराइज होता है। ये पेन क्यों होता है? ये पेन होता है पेरिटोनियल इरिटेशन होने की वजह से। और पेरिटोनियल इरिटेशन किसकी वजह से होती है? कॉज्ड बाय फ्लूड एंड ब्लड रिलीज फ्रॉम रप्चर्ड फोलिकल। जो रप्चर्ड फोलिकल होता है उससे जो फ्लूड और ब्लड रिलीज होता है उसकी वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन होता है, और जो कि पेन अराइज करवाता है। तो आपको ध्यान रखना है मिटल स्केमर्स क्या होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फिनोमिनो मिटल स्केमर्स इंडिकेट्स। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन मैंने आपके सामने रख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो पहला ऑप्शन है इम्प्लांटेशन, दूसरा है मेंस्ट्रुएशन, तीसरा है ओवुलेशन, चौथा है फर्टिलाइजेशन। तो मिटल स्केमर्स किसके लिए काम में लिया जाता है? तो सीधा सा आपने पढ़ लिया, तो राइट आंसर इज ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फोलिकुलर ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज हो गई है। इसमें ये बोल रहा है फोलिकुलर ब्लीडिंग की वजह से जो आपके एब्डोमिनल पेन होता है, पेरिटोनियल इरिटेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो आपका फोलिकुलर ब्लीडिंग की वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन होता है और उसकी वजह से जो पेन होता है उसको आप क्या बोलते हो? पहला ऑप्शन है कॉपस हेमरेजिकम, दूसरा है मिटल स्केमर्स, तीसरा कॉपस ल्यूटियम, चौथा कॉपस अल्बिकेन। तो राइट आंसर विल बी मिटल स्केमर्स, द बी इज द राइट आंसर जो आपने पहले पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड क्या क्या करेगा? पहला ऑप्शन है कॉजेज ओवुलेशन, दूसरा स्टिमुलेट लैक्टेशन, तीसरा इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, और चौथा है इज वन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्या करेगा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड? तो राइट आंसर इज कॉजेज ओवुलेशन। देखिए ये यहां पर ये एस्ट्रोजन है वो यहां पर इसका राइट आंसर दे रखा है। यहां पर देखिए जो अगर मेन जो ओवुलेशन कोज करवाता है वो है LH, अगर मेन जो हार्मोन है उसकी बात करें तो वो है यहां पर LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो आपका ओवुलेशन कोज करवाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन आप देखें साथ साथ में एस्ट्रोजन भी यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसके बाद में हम बात करें कि एस्ट्रोजन का जो रोल होता है वो आपका, अगर ओवुलेशन से हम बात करें, देखें ओवुलेशन लैक्टेशन इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ एफएसएच और इज द ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो आने वाला है इट कॉजेज ओवुलेशन। तो ये 46 का जो राइट आंसर है वो होने वाला है कॉजेज ओवुलेशन। देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। अगर आपके पास में सही राइट आंसर पूछा जाए, ये आपके बुक्स में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन मैंने फिर भी आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया गया है। तो इसमें आपको जो LH, जो आपकी अगर ओवुलेशन के रिगार्डिंग पूछेगा तो आपको LH ही पूछेगा, लेकिन ये RAK में आया हुआ सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है और उन्होंने आंसर यही माना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। साथ में ये आपका एस्ट्रोजन होता है, एप्टोजिस्ट्रोन का जब नाम आता है तो ये अलग ही रोल हो जाता है इसका। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मेनली ओवुलेशन की बात करें तो सिर्फ LH ही आंसर जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एस्ट्रोजन दिया है तो एस्ट्रोजन भी साथ में बढ़ता है। बाकी कंडीशन में एस्ट्रोजन
इतना बढ़ता नहीं है। प्रोजेस्टेरोन तो बढ़ सकता है और भी कंडीशन में, लेकिन ये आपका एस्ट्रोजन ये नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर ये ओवुलेशन का ही इन्होंने आंसर माना है, बाकी एलएच की वजह से ओवुलेशन होता है, ये आपको कंफर्म कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग द नर्स प्लान टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर व्हेन द, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सेक्सुअल फंक्शनिंग के लेक्चर में नर्स प्लान टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर, और नर्स बताना चाहती है कि ओवुलेशन होता है जब, कब होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन लेवल इज हाई, दूसरा है ब्लड लेवल ऑफ एलएच इज हाई, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई, और चौथा है एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लग्ड ऑफ। अब ये देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करता है, जो आपको आपने पीछे वाले क्वेश्चन में जो ग्राफ देखा, तो इसके राइट आंसर पे चलते हैं। इसमें यही पूछा है कि सेक्सुअल फंक्शनिंग पे एक लेक्चर चल रहा है, तो नर्स को बताना है कि ओवुलेशन कब होता है। तो वो बताती है कि ओवुलेशन जब होता है, जब आपके इनमें से कौन सी कंडीशन होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर भी ब्लड लेवल इज ऑफ एलएच इज हाई, यानी ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन है उसका लेवल अगर हाई है ब्लड के अंदर, तब आपका ओवुलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलएच सर्ज अकर, एलएच है जो आपका सर्ज कब होता है, यानी पीक लेवल पे कब होता है। पहला ऑप्शन है 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन, दूसरा ड्यूरिंग ओवुलेशन, और तीसरा है 24 आवर बिफोर ओवुलेशन, और चौथा है 4 डेज आफ्टर ओवुलेशन। तो कब रहेगा जो एलएच है वो ग्राफ में आपका पीक लेवल पे कब रहेगा, कब रहेगा आपका एलएच पीक लेवल पे, ओवुलेशन से पहले या फिर इधर बाल बोल सकते हैं ओवुलेशन के बाद में कब होगा। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो राइट आंसर इज बिफोर 24 आवर ऑफ ओवुलेशन। देखिए यहां पर ओवुलेशन हो रहा है, यहां पर देखिए ये लाइन है, यहां पर ओवुलेशन हो रहा है, ये आपका डे 14 पे हो रहा है। यहाँ से डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये इधर 14, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो आपका जो ओवुलेशन हो रहा है उससे जस्ट पहले आपका जो एलएच है वो सर्ज मिलेगा, यानी एक दिन पहले, यानी आप बोल सकते हो 24 आवर बिफोर ओवुलेशन आपको जो एलएच है वो आपको सर्ज मिलेगा, यानी पीक लेवल पे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय सिक्रेशन ऑफ, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज है उसमें ओवुलेशन किसकी वजह से होता है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और चौथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या आएगा राइट आंसर, राइट आंसर क्या आएगा, चलिए चलते हैं। पूछा है, सीधा पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ओवुलेशन फेज है, ओवुलेशन फेज आती है जब आपका ओवुलेशन होता है, तो जो ओवुलेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, किसके सिक्रेशन से होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एलएच एफएसएच। तो राइट आंसर इज एलएच, बिल्कुल इसका राइट आंसर एलएच ही आएगा अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछे है तो। बाकी कुछ भी हो, सारे ऑप्शन में हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एलएच ही ऑप्शन राइट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन के इंडक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है। पहला ऑप्शन है क्लोमिफेन, दूसरा इथाइनल एस्ट्रल, दूसरा डेनाजोल, चौथा एलएनजी लियोनोर्गेस्ट्रोल। तो राइट आंसर क्या आएगा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी वजह से इंडक्शन करवाते हैं ओवुलेशन का, आर्टिफिशियल इंडक्शन भी बोल सकते हैं हम। तो राइट आंसर इज क्लोमिफेन, क्लोमिफेन सिट्रेट नाम की एक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है जो आपका इंडक्शन करवाती है, किसका, ओवुलेशन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो क्लोमिफेन जो थेरेपी पे रहते हैं उनमें ट्विंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसमें ट्विंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट
थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज। पहला ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसी, तीसरा पॉलीहाइड्रोमनियोन, चौथा मिस अबॉर्शन। एक फीमेल पेशेंट है जो क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी भी चल रही है, तो प्रेगनेंसी के टाइम किसकी रिस्क कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं? पहला ऑप्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसी, तीसरा पॉलीहाइड्रोमनियोन, चौथा मिस अबॉर्शन। तो राइट आंसर इज मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। तो इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लोमिफेन सिट्रेट है वो आर्टिफिशियल, आप जो आर्टिफिशियल इंडक्शन करवाता है किसका, ओवुलेशन करवाता है, तो ये यहाँ पर एक से ज्यादा बार ओवुलेशन होने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज ए साइन ऑफ, जो स्पिन बार्केट अपीयरेंस होता है सर्वाइकल म्यूकस का वो किसका साइन है? पहला ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा प्रेगनेंसी, तीसरा मेनार्की, चौथा ओवुलेशन। तो स्पिन बार्केट है वो किस में देखा जाता है? मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, मेनार्की या फिर ओवुलेशन में? चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी ओवुलेशन। ओवुलेशन में स्पिन बार्केट अपीयरेंस देखा जाता है। जो स्पिन बार्केट क्या होता है, ये स्पिन बार्केट अपीयरेंस, इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस देखी जाती है। इसके अंदर आपकी जो देख सकते हैं, जैसा कि पिक्चर में ये आपका स्लाइड के ऊपर सर्वाइकल म्यूकस लिया जाता है और फिर उसको उसकी जो इलास्टिसिटी देखी जाती है वो किसके लिए? टू डिटरमाइन ओवुलेशन। जो इलास्टिसिटी किसके लिए देखी जाती है? ओवुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। कैसे पता चलेगा? एट द ओवुलेशन टाइम द इलास्टिसिटी इज 12 से 24 सेंटीमीटर और मोर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो इलास्टिसिटी है, ये जो इलास्टिसिटी है वो कम से कम 12 सेंटीमीटर मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं 12 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगी। तो आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर स्पिन बार्केट अपीयरेंस है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर ओवुलेशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू असेस, जो फर्न टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन ओवुलेशन, दूसरा प्रेगनेंसी, तीसरा कैंसर ऑफ सर्विक्स, चौथा मेंस्ट्रुएशन। तो राइट आंसर क्या आएगा? जो फन टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? फन टेस्ट किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ओवुलेशन। देखिए फन टेस्ट है वो ओवुलेशन के लिए किया जाता है और जो रप्चर मेम्ब्रेन है उसके लिए भी ये किया जाता है। रप्चर्ड मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक कैविटी है उसके रप्चर को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपका फन टेस्ट किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो म्यूकस है उसको स्लाइड पे लिया जाता है, म्यूकस को स्लाइड पे लिया जाता है और उसको देखिए, अगर वो आपकी माइक्रोस्कोप में जब आप जूम करके देखते हैं तो इस तरह का अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वहां पर कोई फन जो है वो पॉजिटिव नहीं है, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव फंड है। यहाँ पर जो फंड टेस्ट है यहाँ पर फर्निंग नहीं देखने को मिलती है, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पर जो है वो बोल सकते हैं कि आप ओवुलेशन नहीं हुआ है, या फिर ये ट्रांजिशनल होती है इस तरह से, देखो हल्की हल्की अगर दिखती है तो यानी यहाँ पर ओवुलेशन होने वाला है, यहाँ पर ओवुलेशन होने वाला लेकिन हुआ नहीं है, और ये आपका फंड टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें देखिए इस तरह से आपको फर्निंग देखने को मिलती है जो ओवुलेशन के टाइम ही देखने को मिलेगी, तो इसको आप फर्न टेस्ट बोलते हैं। ये ओवुलेशन के लिए किया जाता है और रप्चर मेम्ब्रेन के लिए भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला है गोनेडोट्रोपिन, दूसरा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तीसरा गोनेडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन, और चौथा गोनेडोट्रोपिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो क्या आएगा राइट आंसर? कौन सा हार्मोन है जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज गोनेडोट्रोपिन। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हम बात करें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके इनिशिएशन के लिए जो हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होती है, हाइपोथैलेमस में आपका एक हार्मोन होता है GRS, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GRS, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है,
वो आपका इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, जीएनआरएस का काम क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को किसके लिए स्टिमुलेट करता है, जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में ये क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिक में लिख लेता हूँ, जीएस ग्रोथ समझोगे नहीं तो, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को आपको ये क्या करवाता है, ये स्टिमुलेट करता है यानी रिलीज करवाता है इंटीरियर पिट्यूटरी से, जो क्या करते हैं एलएच एंड एफएसएच का सिक्रीशन करते हैं, जो क्या करते हैं एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन करते हैं, और साथ में गोनेडो गोनेडल हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी से भी सिक्रीशन करवाते हैं, कौन से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या करवाएगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है वो आपका एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन करवाएगा, और गोनेडल हार्मोन यानी आपकी ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन करवाता है। तो इनिशिएशन जो है वो आपका हाइपोथैलेमस से जीआरएस ने किया, और जीआरएस से फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुए, जो एलएच और एफएसएच को सिक्रेशन करवाया, और साथ में जो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को करवाया। तो इस तरह से ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो हार्मोन है वो साइकिल होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सी ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इनिशिएटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और चौथा ओवरीज। तो क्या आएगा राइट आंसर, क्या आएगा राइट आंसर, कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएटिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज। तो राइट आंसर विल बी हाइपोथैलेमस। देखिए इनिशिएशन कौन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस करा रहा है, बाकी पार्टिसिपेशन सबका है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का भी है, ओवरीज का भी है, लेकिन इनिशिएशन की बात करें स्टार्टिंग कौन करवा रहा है, शुरुआत कौन करवा रहा है, तो हाइपोथैलेमस करवा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए मदर विद 9 month बेबी इज प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टोमी, एक जो मदर है जिसके 9 month का बेबी है वो प्लानिंग कर रही है ट्यूबेक्टोमी की, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर सर्जरी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम कौन सा जो पीरियड है वो आइडियल माना जाता है, पहला ऑप्शन है ओवुलेटरी फेज, दूसरा मेंस्ट्रुअल फेज, तीसरा सिक्रेटरी फेज, चौथा प्रोलिफरेटिव फेज। तो राइट आंसर क्या आएगा, कौन सी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है ट्यूबेक्टोमी हो जानी चाहिए, ओवुलेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, सिक्रेटरी फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज। देखिए दोस्तों जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर आपके 2 साइकिल चलते हैं, एक तो ओवेरियन साइकिल चलता है और एक यूट्राइन साइकिल चलता है। तो यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन, ये देखो एक तो ओवेरी हो गया जो ओवेरी में चेंजेस देखने को मिलता है, एक यूट्राइन हो गया जो यूट्राइन में, यूट्रस में चेंजेस दिखता है। तो देखिए जो ओवेरियन साइकिल है उसमें 3 फेज होती है, फोलिकुलर फेज, ओवुलेशन और ल्यूटियल। जो फोलिकुलर फेज होती है 114 डेज होती है, ओवुलेशन फेज 114 डेज, और 14 डेज के बाद में जो 28 डेज है वो आपकी ल्यूटियल फेज चलती है। यूट्राइन में हम बात करें तो आपकी जो फोलिकुलर फेज है उसके ड्यूरिंग 2 फेज हो जाती है आपकी यूट्राइन में, जो आपकी 1 to 4 डेज तो आपका पीरियड से फिर ब्लीडिंग पीरियड बोल सकते हैं, और जो 5 to 14 डेज है वो आपकी प्रोलिफरेटिव फेज डेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज बोल सकते हैं, और जो ओवुलेशन है वो आपका 14 डेज पे होता ही है, और फिर बाद में सिक्रेटरी फेज आती है जो आपकी 14 to 28 डेज होता है। तो इसकी जो प्रोलिफरेटिव फेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज है जो आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी ब्लीडिंग जब खत्म होती है, ब्लीडिंग जब खत्म होती है तो उसके तुरंत बाद यानी 5th डे से आप 14 डे तक आप को ट्यूबेक्टोमी कर लेनी चाहिए, या फिर सबसे बेस्ट माने तो आपका 5th डे पे कर सकते हो, या फिर आफ्टर ब्लीडिंग पीरियड जो कि आपका 1 to 4 डेज का होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोलिफरेटिव फेज क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लीडिंग फेज है वो खत्म हो रही है और उसके तुरंत बाद इंस्टेंट आपको ये ट्यूबेक्टोमी कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस फेज इज सो नेम्ड बिकॉज, इस फेज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि
इट इज वेन द फॉलिकल इज द ओवरी इन द ओवरी ग्रो एंड फॉर्म ए मेच्योर एग नेम द फेज। देखिए क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा घुमा रहा है आपको, कंफ्यूज कर रहा है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इस फेज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब फोलिकल जो है ओवरी के अंदर ग्रो होता है और मेच्योर एग बनाता है, तो उस फेज को क्या बोलोगे आप? पहला ऑप्शन है मेस्ट्रुएशन, दूसरा ल्यूटियल फेज, तीसरा ओवुलेशन, चौथा फोलिकुलर फेज। तो क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर भी फोलिकुलर फेज। जैसे कि मैंने आपको पहले पिक्चर में बताया था, जो फोलिकुलर फेज होती है उसके अंदर जो आपका FSH हार्मोन का मोस्ट इसमें रोल होता है, जो क्या करता है आपके फोलिकल को स्टिमुलेट करता है और आपको मेच्योर करता है, उसको एक मेच्योर एग में बनाता है, मेच्योर एग बनाता है। तो ओवरी के अंदर क्या होता है? ग्रो होता है फोलिकल, फोलिकल ओवरी के अंदर ग्रो होता है और एक मेच्योर ओवम बनाता है, तो उस फेज को आप फोलिकुलर फेज बोलते हैं, जैसा कि आप वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें फोलिकुलर फेज होती है क्योंकि इसमें फोलिकुलर का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो मेच्योर ओवम में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, ओवेरियन साइकिल है वो किससे इनिशिएटेड होती है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, पहला ऑप्शन प्रोजेस्टोन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा एंडोरफिन, चौथा फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ओवेरियन साइकिल है वो किससे शुरू होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो FSH है वो आपकी जो ओवेरियन साइकिल है उसको स्टार्ट करवाता है, यानी पहले आपके फोलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फिर उसको मेच्योर करेगा, मेच्योर करने के बाद में रप्चर होने से ओवुलेशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, जो आपका एवरेज ब्लड लॉस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कितना होता है? पहला ऑप्शन 200 से 250 ml, दूसरा 50 से 100 ml, तीसरा 100 से 150 ml, चौथा 150 से 200 ml। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी 50 से 70 ml। जो एवरेज रेंज है वो आपकी 50 से 70 ml, 50 से 100 ml मानी जाती है और 70 ml इसका जो एवरेज माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्स्टेंट फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कॉन्स्टेंट फेज कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की कॉन्स्टेंट फेज कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल, दूसरा प्रोलिफरेटिव, तीसरा ल्यूटियल, चौथा ओवुलेटरी फेज। तो कौन सी फेज है जो आपकी कांस्टेंट होती है? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ल्यूटियल फेज। देखिए जो ल्यूटियल फेज है वो आपकी ओवरी में होती है और उसी टाइम यूट्राइन में इसके जो साइमल्टेनियसली चलने वाली है सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी देखिए ये जो फेज है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फेज है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होने से मतलब है यहाँ पर जो आपका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो आपका 14 to 28 days का ही होता है, यानी ये 14 days का फिक्स साइकिल रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये जो फेज है वो आपकी 14 की 14 days ही रहेगी, यानी ये कांस्टेंट रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये 14 days की ही हो, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 32 दिन का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज और जो आपकी सिक्रेटरी फेज है वो तो 14 days की ही रहेगी, इसलिए इसको आपने कॉन्स्टेंट फेज बोला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओवुलेशन इन फीमेल विद 36 डे साइकिल अकर, 36 डेज का साइकिल है तो उसमें ओवुलेशन कब होगा? कब होगा अब तो आप बता दोगे, सीख गए सब आप। तो पहला ऑप्शन है 14 to 18 days, दूसरा 32 34 डेज, चौथा 20 to 24 डेज, और चौथा है आपके पास में 8 to 12 डेज। तो क्या आएगा राइट आंसर? हमने अभी बताया है ओवुलेशन है वो 14 डेज माइनस कर लो जितने दिन का आपका डे का साइकिल है, तो 36 डेज है, इसमें से 14 डेज आप निकालोगे तो राइट आंसर जो नंबर है वो कितना आएगा हमारे पास में? वो नंबर आएगा
देखिए 6 में से 4 आपका 22, तो 22nd डे, 22nd डे जो है आपका ओवुलेशन होगा, आपने फिक्स बता दिया, आपको रेंज की भी जरूरत नहीं है, तो द राइट आंसर विल बी सी। और एकदम कंप्लीट बात करें तो 22वें दिन, जो 22वां दिन है उस दिन ओवुलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फेज इन विच इन द लाइनिंग सेल ऑफ ओवरी फोलिकल आर स्टिमुलेटेड बाय लुटिनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप द कॉपर स्लूटियम इज प्रोड्यूस प्रोजेस्टोन एंड एस्ट्रोजन। देखिए फेज जिसमें, वह फेज जिसमें द लाइनिंग ऑफ सेल ऑफ ओवरी फोलिकल आर स्टिमुलेटेड, जिसमें आपकी जो ओवरी फोलिकल है वो स्टिमुलेट होते हैं बाय लुटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन से, टू डेवलप कॉपर स्लूटियम, जो कि आपका कॉपर स्लूटियम बनाता है, टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो आपका कौन सी फेज में है, ये कौन सी फेज में होता है जिसमें आपका ग्राफियन फोलिकल बनता है, यानी आपका कॉपर स्लूटियम बनता है और जो आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। पहला ऑप्शन है मेस्ट्रल फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा सिक्रेटरी फेज, चौथा फोलिकुलर फेज। तो राइट आंसर क्या आएगा, कौन सी फेज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज सिक्रेटरी फेज। देखिए जो आपकी सिक्रेटरी फेज होती है, जो आपकी सिक्रेटरी फेज होती है यूट्राइन के अंदर, ये चेंजेस करवाती है। तो क्या करवाती है ये, जो इसमें देखिए जब ओवुलेशन होता है तो उसके बाद में कॉपर स्लूटियम बन जाता है, कॉपर स्लूटियम बन जाने के बाद में ये क्या करेगा, ये कॉपर स्लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टोन का सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टोन का सिक्रेशन करेगा। और फिर प्रोजेस्टोन क्या करेगा, जो यूट्राइन वॉल है उसमें क्या करवाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएगा उसको, उसको ओवुलेशन या फिर बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करेगा। आपकी जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसको इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करेगा, उसको मोटाई प्रदान करेगा। और ये इसके अंदर आपकी ये जो फेज है इसका नाम रखा गया है यहाँ पे सिक्रेटरी फेज, और इसी टाइम आपकी ओवरी में जो साइमल्टेनियसली चलने वाली जो साइकिल है वो है ल्यूटियल फेज। इसमें कोई चेंजेस ज्यादा नहीं होता, लेकिन सिक्रेटरी फेज के अंदर आपका जो यूट्रस है, यूट्रस की जो इनर लेयर है उसको इम्प्लांटेशन के लिए रेडी किया जाता है, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है जो एंडोमेट्रियल है, जो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है, जिसमें सेल्स की साइज और नंबर में ग्रोथ होते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चेंजेस जो है वो आपका सिक्रेटरी फेज में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्स फॉर, जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो किसके लिए होता है। तो पहला ऑप्शन है द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन, द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तीसरा द इंसिडेंस ऑफ कैपिलरी फ्रेजिलिटी, और चौथा है स्टैंडिंग द थिक एंडोमेट्रियल ऑफ यूट्रस। तो क्या आएगा राइट आंसर, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही आंसर में, तो राइट आंसर विल बी सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियल यूट्रस, यानी जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है वो किस लिए होता है, जो मेट्रियल लेयर है उसको थिक बनाने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्रॉक्स स्क्रू सेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन, जो क्रॉक्स स्क्रू सेप्ड जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो किसमें देखी जाती है। पहला ऑप्शन है लेट सिक्रेटरी फेज, दूसरा है अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा है लेट प्रोलिफरेटिव फेज, चौथा है अर्ली सिक्रेटरी फेज। तो क्या आएगा राइट आंसर, क्या आएगा राइट आंसर, क्रॉक्स स्क्रू सेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो किसमें देखी जाती है, लेट सिक्रेटरी फेज, अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज, लेट प्रोलिफरेटिव फेज या फिर अर्ली सिक्रेटरी फेज। तो राइट आंसर आएगा अर्ली सिक्रेटरी फेज। जो अर्ली सिक्रेटरी फेज है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो कुछ इस तरह से, देखिए स्पाइरल शेप की देखने को मिलती है, देखिए ये देखिए कुछ इस तरह की होती है अगर नॉर्मली हम देखें तो ये इस तरह की ये स्पाइरल देखने को मिलती है, जिसमें ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है जो आपकी एंडोमेट्रियल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द वोमेन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विद इन, अगर कोई मदर है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, फीडिंग नहीं करवा रही है ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कब रिज्यूम हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 2 to 4 वीक आफ्टर डिलीवरी,
दूसरा है 8 to 10 days, 8 to 10 week आफ्टर डिलीवरी। तीसरा है 4 to 6 week आफ्टर डिलीवरी। चौथा है 6 to 8 week आफ्टर डिलीवरी। तो राइट आंसर क्या आएगा? तो राइट आंसर विल बी 6 to 8 week आफ्टर डिलीवरी। 6 से 8 week के बाद में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो रिज्यूम हो जाएगा। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ये टाइम थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है ओवेरियन साइकिल, दूसरा एंड्रोपोज, तीसरा मीनोपोज, चौथा मीनार्की। तो क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर इज मीनार्की। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्की, या फिर बोल सकते हैं शुरुआत, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत है उसको आप मीनार्की बोल सकते हैं, या फिर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द परमानेंट सीजेशन। इसमें पहले एक और बता दूं, जो मीनार्की है उसकी एज होती है 12 से 17 ईयर, आपकी एवरेज 12 से 17 ईयर एवरेज होती है, जिसमें फर्स्ट, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस पीरियड को आप मीनार्की बोलोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मीनोपोज द प्रेजेंट सीजेशन, द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट सीजेशन क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है अमिनोरिया, दूसरा मीनोपोज, तीसरा ओलिगोमिनोरिया, चौथा हाइपोमिनोरिया। तो क्या कहलाएगा परमानेंट सीजेशन? तो राइट आंसर इज मीनोपोज। जो परमानेंट सीजेशन है वो आपका मीनोपोज कहलाता है, जो आपकी आफ्टर 45 ईयर एज के बाद में आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग मीनोपोज इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो आपका एंडोक्राइनल चेंजेज है वो मीनोपोज के बाद में देखने को मिलता है, इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो एक के अलावा सब कुछ देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है फॉल इन सीरम एस्ट्रेडियल लेवल, दूसरा फॉल इन FSH, तीसरा इंक्रीज इन LH लेवल, चौथा है इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन। तो क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। मीनोपोज के बाद में जो एंडोक्राइनल चेंजेस हैं वो आते हैं एक के अलावा, तो राइट आंसर इज फॉल इन FSH। तो जैसा कि आपको पता है, अगर बाकी सब आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो FSH है, FSH वो है आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा, FSH आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, बाकी आपको सब, सॉरी, जो FSH है वो आपको कम देखने को मिलता है, FSH है वो कम देखने को मिलता है, बाकी आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर बड़ी भी मिल सकती हैं, लेकिन जो FSH का लेवल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन का सीजेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको कम मिलता है, बाकी सब आपको बड़े हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो FSH का लेवल है जो मीनोपोज के बाद में कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ मीनोपोज, मीनोपोज का मेन कॉज क्या होता है? पहला ऑप्शन है लेक ऑफ प्रोजेस्टोन, दूसरा एक्सिस ऑफ प्रोजेस्टोन, तीसरा एक्सिस ऑफ एस्ट्रोजन, चौथा लेक ऑफ एस्ट्रोजन। तो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से मीनोपोज होता है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज लैक ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मीनोपोज देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग द प्री नेटल चेक द क्लाइंट आस्क नर्स इट वाई मेंस्ट्रुएशन सीजेशन वंस प्रेगनेंसी अकर, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बंद हो जाते हैं एक बार जब आप प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, या फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी दैट दिस इज अकर बिकॉज, जब नर्स बताती है कि ये किस वजह से होता है। पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन बाई ओवरी, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोन बाई द ओवरी, तीसरा सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन प्रोड्यूस बाई पिट्यूटरी, और चौथा है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हॉर्मोन प्रोड्यूस बाई ओवरी। तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा? ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो राइट आंसर इज रिडक्शन इन सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन बाई ओवरी। जो आपकी ओवरी है
उसकी जो हार्मोन है उसके सिक्रेशन में कमी हो जाने की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है। ये जो इसमें जो आपका जो भी ओवरीज के हार्मोन होते हैं उसमें कमी हो जाती है, और साथ में जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, साथ में जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है जो कि आपका ग्राफियन फोलिकल की वजह से होता है, कॉपर स्लूटियम की वजह से होता है, जो कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को आने नहीं देता है। और यहाँ पर ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो आपकी एंडोमेट्रियल लेयर है उसको उसको थिक बनाता है, उसको मजबूत बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए और फिटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो वॉल प्रेगनेंसी जो है वो प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ रहता है, तो ये भी एक रीजन होता है जो दूसरे हार्मोन को बढ़ने नहीं देता है, तो इसकी वजह से ही आपका मेंस्ट्रुएशन है वो सीजेशन होता है। तो ये हमारे शॉर्ट में जो कम टाइम में क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, तो 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपका वीडियो, आपको ये आज का सेशन आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।